आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे प्राणी सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर मनसे नेता संदीप राणे को आज एक नई जिम्मेदारी दी गई। मैं आपको बता दूं कि संदीप राणे को आज मीरा भाईंदर शहर का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर घुस गई है। जब वो यहाँ पे आए तो उनका स्वागत फूलों की बारिश की गई, यहाँ पे पटाखे फोड़े गए, यहाँ पे कार्यकर्ता पदाधिकारी नाचे उनके अध्यक्ष पद बनने के बाद। चलिए बात करते हैं मनसे नेता संदीप राणे से और कुछ कार्यकर्ता राज साहब का, अमित साहब का और हमारे जिलाध्यक्ष नेता हमारे अविनाश दादा, इनका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे, कोरोना काल से आप देखते रहेंगे कि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने बहुत बड़ा कार्य किया है, लोगों के हित में कार्य किए। नगर सेवक जितने भी थे वो अपने फार्म हाउस में जाके बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ज़मीन पे उतर के काम किया, लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है आज के तारीख में हम देखो प्रशासन है ना, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, और यहाँ के जो स्थानीय आमदार है वो ध्यान नहीं दे रहे नगर पालिका के ऊपर। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र निर्माण सेना के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, और मुझे लगता है कि सभी महिला हो, पुरुष हो और स्थानीय नागरिकों का हित के लिए जो भी बनता रहेगा हमको करना है। और महाराष्ट्र निर्माण सेना मीरा भाईंदर के सभागृह में जाएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 100%। मैं आपको बोलता हूँ, देखो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को लेके साथ में लेके चलना, ये मेरी बहुत बड़ी जवाबदारी है। और भाई छोटी मोटी जवाबदारी नहीं, बहुत बड़ा जवाबदारी मेरे पे सम्मान्य राज साहब, अविनाश यादव साहब, अमित साहब ने दिए, तो मुझे लगता है उसका पालन करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और जो भी मीरा भाईंदर के नागरिकों का जी समस्या है वो मीरा भाईंदर तक कैसा लेके जावे और उसको कैसा हल निकाले, ये मेरा एक मानस है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा आपके माध्यम से, कहना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हैं या कुछ लोग यहाँ पे दिखे नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो हमारे ही है। देखो क्या होता है, हर एक घर में कितना जितने घर है उतने खटले हैं मार्केट में, समझे कि नहीं? तो ये सब चलते रहता है। आज हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग जो भी है, अगर नाराज हुए रहेंगे तो देखो कोई भी एक नेता वो 100 आदमी को खुश नहीं कर सकता है। तो एकाध दो रहेंगे वो हमारे भाई लोग हैं, उनको समझाने का काम हम करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोग भी काम करेंगे। होता है 2 दिन का दुख रहता है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य आज नहीं तो कल हम मिलके काम करेंगे, कंधा से कंधा लगा के। आपके माध्यम सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है अपने भारत में, मुझे लगता है कम से कम 30-40 साल के बाद में ये कार्य होने जा रहा है सम्माननीय मोदी साहब के माध्यम से। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा कार्य लिया है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई कार्य नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर जो बन रहा है अपने भारत के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है, और बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बोलते हैं वैसा एक विषय है। तो मुझे लगता है राम मंदिर तो बनते ही रहेगा और बनेगा ही, और इससे पूरे महाराष्ट्र में पूरे भारत में बहुत ही चैतन्य का माहौल है। तो मुझे लगता है नागरिक होता है संदीप दादा राणे गेले 35 वर्ष पॉलिटिक्समध्ये राजकारणामध्ये आहेत, आनंद दिघे साहेब, मधुकर सरपोतदार साहेब, आणि या सर्वांच्या हाताखाली ते मुशीत तयार झालेले आहेत। राजकारण कसं करावं हे त्यांना माहिती आहे, राजकारण कसं खेळावं ते त्यांना माहिती आहे, लोकांची कामं कशी करावी ते पण त्यांना माहिती आहे, आणि पक्ष कसा वाढवावा हे त्यांना माहिती आहे। मी त्यांना जवळजवळ 14-15 वर्ष ओळखते। राजकारण करणारा माणूस, राजकारणी माणूस आणि सन्मानाने सर्वांना वागवणारा माणूस, लोकांची कामं करणारा माणूस, म्हणून संदीप दादा राणे यांची निवड जी झालेली आहे शहर अध्यक्ष म्हणून मीरा भाईंदरच्या, मी खूप आनंदी आहे। माझा महिला वर्ग पण आधी तर साहेबांना खूप खूप अभिनंदन की ते शहर अध्यक्ष झाले, आणि दुसरी म्हणतो जसं की एक दबाव म्हणजे की कुठलंही काम करायच्या आधी आपल्याला एक पाठिंबा पाहिजे असतो शहर अध्यक्ष म्हणून,
आज तो पाठिंबा नव्हता, मी तर तोंडावरही बोलून आताही बोलते की तो पाठिंबा कुठे नव्हता की महिलांना कुठे काय करायचं. माझं ऑफिस खुलून आज 6 महिने वर्ष झालं पण कुठेही कोणी आलं नाही त्या ऑफिसला. पण राणे साहेब हे 3 की 4 वेळा येऊन उपस्थिती लावून विचारायचे की काय काम चाललं आहे किंवा काय. म्हणजे ती व्यक्ती आहे ना, त्या व्यक्तीला जे मिळालं ते योग्य मिळालं आहे. आणि जसं ताई म्हणाले ना की ते राजकारण पण मी तर त्यांना 4 वर्षापासून राजकारणी पलीकडे तो व्यक्ती आहे, माणूस की बाज तो व्यक्ती आहे. एखाद्याच्या पाठीमागे कसं उभं राहायचं कार्यकर्त्यांचं हे त्या व्यक्तीला. महिलांमध्ये तसंच पुरुष वर्गांमध्ये सुद्धा आणि पूर्ण मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा सगळीकडे दिवाळी दसरा बोललं तरी काही कमी नाही आहे. दिवाळी दसऱ्यापेक्षा पण जास्त आम्हाला आनंद झालेला आहे, कारण की कुठेतरी आम्हाला असं वाटत होतं का आम्ही पदाधिकारी असून आम्हाला कुठेतरी काम करायची इच्छा असूनही करायला भेटत नव्हतं. कारण की आम्हाला जे आधीचे जे पदाधिकारी होती त्यांचा हमे सतत दबाव असायचा का असं नका करू तसं नका करू. पण आता आम्हाला खऱ्या अर्थाने असं वाटतं आहे का आम्ही गड जिंकला. मीरा भाई होतोय, सगळ्यांनाच आनंद होतोय आणि खूप छान. म्हणजे त्यांनी इतके दिवस जे राजकारणात कष्ट केले आणि जी लोकांची सेवा केली त्याचं हे फळ त्यांना योग्य वेळेला भेटलेलं आहे. आणि आता खरोखरच ते खूप म्हणजे चांगलं ह्यापुढे अजूनही काम करू शकतो.